सेकंड भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कोरोना की जिंदगी। एक दिन एक मोनू नाम का लड़का रहता था। वो बहुत मीठा नहीं था। वो उसकी दीदी बहुत सारे काम करती थी। वो बहुत अच्छी थी। उसकी माँ उसे खाना देती थी, पर वो फिर वो बोलता था, मुझे ये खाना नहीं चाहिए, कोई स्वादिष्ट बनाओ, पिज्जा बनाओ। तो ये कहकर माँ वहाँ से चली गई। तो एक दिन दूसरा दिन आ गया। फिर एक दिन उसकी दीदी गैलरी के बाहर देख रही थी कि वहाँ लोग खड़े हैं। वो और एक दादी के दुकान पर खा रहे थे। तो दीदी बोली अपने मम्मी से, मम्मी मम्मी ओ मम्मी, क्या हम भी इनकी मदद करें? हमें हमारे पास पैसे भी है, तो हम इन्हें थोड़ी पैसे दे देंगे तो ये अच्छे हो जाएंगे। तो मोनू ये बात सुनकर कहता है, ओ ओ ये बात मत सुनो, हम क्यों अपनी चीज़ दे, हम अपने रहेंगे। मोनू किचन में जाके बिस्किट खाता है। थोड़ी 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 उस बिस्किट को फेंक देता है। तो माँ और उसकी दीदी घर पर आते हैं तो देखते हैं मोनू ने थोड़ी बिस्किट नीचे डाली है। तो माँ कहती है, मोनू ऐसा मत करो, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा फिर। तो दीदी भी यही कहती है उसकी। मोनू फिर गेम खेलने जाता है टीवी पर। तो फिर मोनू गेम खेलता रहा। फिर एक दिन मम्मी उसकी अपने पापा से बात करती थी। तो वो बोली, आप ठीक तो है जी? तो पापा बोले, हाँ बच्चे ठीक हैं, पर हाँ। तो उसकी माँ बोली, हाँ पर आप तो ठीक है ना, आपको कुछ खाने तो मिल रहा है? तो हाँ पर अभी मैं नहीं आ सकता, ये लॉकडाउन चल रहा है, अभी मैं नहीं आ सकता, माफ कर दो, ऐसे बहुत कुछ दिन लगेंगे। तो एक दिन दूसरा दिन आ गया। तो मम्मी ने एक दिन वीडियो कॉल कर दिया उनके पापा को। तो वो देखने लगे, वो कुछ खाना तो मिल रहा है, हाँ मुझे लाइन में खड़े होने के लिए कहा है। तो मोनू मोबाइल छीन लेता है अपने मम्मी से। तो मोनू बोला, क्या क्या बोला आपने, आप लाइन पर खड़े रहते हो? हाँ बेटा। तो मम्मी को मोबाइल देके अपने कमरे में रोने लगा। तो उसकी दीदी जल्दी से कमरे में आ गई। तो देखा मोनू रो रहा है। तो उसकी दीदी बोली, अरे मोनू तुम क्यों रो रहे हो? तो मोनू ने कहा, मुझे नहीं पता था कि मुझे खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए था, पापा को लाइन में खड़े होना पड़ता था, अभी मैं कभी खाना बर्बाद नहीं करूँगा। मम्मी से कहकर वो कहता है, ओ अब मैं तुम्हें भी कभी परेशान नहीं करूँगा। तो मोनू ऐसे खुश होकर खाना बर्बाद नहीं करता था। तो मोनू अच्छे रहकर खाना वेस्ट कभी नहीं करता था। तो इससे हम क्या सीख मिलती है, खाना बर्बाद ना करो, अच्छे के लिए भला होता है।